आज हम लोग बहुत आशा लगाए हुए थे कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। घबराना नहीं है हम लोगों को, जीत तो मिलेगी ये निश्चित है। हम लोग को भेज दिया गया हुआ कि पहले हाई कोर्ट में आइए, तब यहाँ आइए सुप्रीम कोर्ट में। नियम भी तो यही कहता है कि पहले हाई कोर्ट से करवाइए तब सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ रिव्यू पिटीशन लेकर के न गए थे। अब मुकुल रोहतांगी को ये भी नहीं पता था कि किस राज्य का केस लेके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की है ना वो हिमा कोहली की है, बिना कुछ सुने समझे जो है ना हाई कोर्ट में डायरेक्ट भेज दिए। टाइम लगेगा, घबराइए नहीं, जीत तो मिलेगी लेकिन टाइम लगेगी। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी सब बहाली पे बहाली ले रही है, लेकिन हम लोग मुकदमा भी लड़ने जा रहे हैं तो कुछ सफल नहीं हो रहा है, ना कोई नेता साथ देने आ रहा है। अब सिर्फ जा करके जो भी बड़े नेता है ना एनआईए उसके तरफ से, हर राज्य को बच्चा को अब अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हम भी चलेंगे दिल्ली में, चल करके पूरा दिल्ली पैदल यात्रा करना है। सिर्फ भारत सरकार से सिर्फ एक सवाल रहेगा, जब वैलिडिटी नहीं था तो करवाया क्यों, हम लोग को क्यों ऐसा जिंदगी बर्बाद किया, करवाना नहीं चाहिए ना। तुम्हारा गलती है ना गैजेट में प्रकाशन नहीं किया ना, तुम जानो काहे ऐसा किया। इतना बच्चा को मेंटली परेशान कर रहा है, आसान से बैठा हुआ है। सभी भाई बहनों अब तैयार हो जाइए दिल्ली चलने के लिए। मैं बड़े नेता से आग्रह करती हूँ कि एक दिन तय कीजिए, वहां से परमिशन लीजिए, हम लोग चलेंगे। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, अब डू एंड डाई का मैटर होगा। करो या दो, नहीं तो मरो, नहीं तो जाओ। हम लोग वहीं पे अनशन करके भूख हड़ताल करके मरेंगे, लेकिन लेकर के आएंगे। ऐसे नहीं होने वाला, नहीं सुनेगा। 14 लाख बच्चा है, कम थोड़ी है। तू करवाया तब ना की, नहीं करवाता तो थोड़ी करने जाते। वो भी जबरदस्ती, जो नहीं करेगा वो प्राइवेट में नहीं पढ़ाएगा। कर लिया यही दिन देखने के लिए, मुकदमा भी लड़ने जाओ तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज सुनने के लिए तैयार नहीं।